हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज देखिए, मेरी मम्मी मेरे बच्चों के लिए ये एग पराठा बना रही है, जो कि कभी मेरे पापा को बना के देती थी और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को सिखाया था। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने आज तक कभी एग नहीं खाया बचपन से। सो, मेरी मम्मी बच्चों को एग पराठा बना के दे रही है। देखिए, ये मेरी मदर है और ये अब गरम 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 ठंडी में, क्या बात है, लजीज पराठा मिल जाए तो क्या बात है। देखिए, और अब ये मेरे बेटे के लिए बन रहा है, तो वो इंजॉय करेगा इस पराठे को। और फिर इन लोग को खाने के बाद इतना टेस्टी लगा ये पराठा कि मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिए, बिल्कुल बहुत इजी है। पराठे को पराठे की तरह सेक लीजिए, उसके बाद एग आमलेट बना लीजिए, आमलेट लिख के भी इसको कर लीजिए, उसके बाद इसको पराठे के अंदर फिल कर लीजिए। ये देखिए, मेरे बेटे ने अब ये पराठा ले लिया, अब ये खा के बताएगा नानी का पराठा कैसा है। देखिए, तो ये गया एंजॉय करना और ये बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही यम्मी बना है। देखिए, तो दोस्तों, ठंड में अगर एक पराठा मिल जाए तो वाह, क्या बात है। और ये मेरी बेटी है जिसका नाम है जैली और मेरे बेटे का नाम है रौनिक। तो ये जैली और रौनिक की जो स्टोरी है, स्वीट स्टोरी, यस यस यस। देखिए देखिए, मम्मा कैसे बना रही है और मम्मी के हाथ का पराठा मिल जाए तो क्या ही बात है दोस्तों, यमी यमी पराठा खाने को मिल जाए, वाह। मगर मैं नहीं खाती मैं तो नहीं खा सकती, मेरे बच्चे तो खा ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसे बना के देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठंड में पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये तो दोनों गए इंजॉय करने। अब ये पहले मना कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अब देखिए ये खुद गई है इसको लेके, और अब जब खाएगी ना तो अब देखिए ये एक और पराठा मांग